ये हिंदुओं का है, पूर्वजों का यहाँ दाह संस्कार हुआ है और ये हम लोग की संपत्ति है। कब्जा बाउंड्री वगैरह करना चाहते हैं, इसको आवेदन दीजिएगा। थाना प्रभारी को देंगे, अंचल अधिकारी को देंगे, डीएम को देंगे, एसडीओ को देंगे। बोल रहे हैं कि सर वरीय पदाधिकारी से आप बोले। लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। शमशान की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने की साजिश का हुआ है भंडाफोड़। ग्रामीणों ने किया है जमकर हंगामा और मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। R9 भारत टीवी स्क्रीन पर यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया क्षेत्र से यह मामला है मझौलिया का, जहां चनायन बांध गांव में शमशान की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें, प्रशासन की टीम जब पहुंची तब इस मामले को शांत कराया गया। समाहर्ता के नाम से आवेदन लिखकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चनायन बांध पंचायत में बेतिया सरिसवा पथ पर दो भागों में विभाजित हिंदुओं का शमशान है, जो अकड़ाहा नदी के उत्तर में स्थित है। वहीं इसके उत्तर तरफ मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी पहले से की जा चुकी है। हमको अधिकारी नहीं है, काम से मतलब है, काम से मतलब है, रुक गए, मेरा पंचायत है, क्या मालूम हुआ सर? बोल रहे हैं कि सर वरीय पदाधिकारी से आप बोलेंगे, हम तो जांच का वाहिल है। मामला है कि हम लोग के पूर्वज के द्वारा मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान का जमीन दिया गया है वो उत्तर साइड में उसका बाउंड्री हो चुका है, और ये दक्षिण साइड का जमीन जो है वो हिंदुओं का श्मशान घाट का है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये इसको कब्रिस्तान का नाम देकर इसका बाउंड्री कराया जा रहा है। किसके द्वारा कराया जा रहा है ये? आज हमको सूचना मिला है कि विभागीय स्तर पर इसका बाउंड्री कराया जा रहा है, जिसमें दिया गया है कि ये कब्रिस्तान का जमीन है। अच्छा, आप देखे हैं उस कागज को? नहीं, यहाँ नेट पर कोई दिखा रहा था हमको। ठेकेदार का आदमी बोला? हाँ, ठेकेदार का आदमी बताया है। क्या बताया? कि ये कब्रिस्तान का जमीन क्या 13 एकड़ कुछ ऐसा करके रिकॉर्ड किया। आप लोग की क्या मांग है? मांग है ये हम लोग के पूर्वजों का है, ये हिंदुओं का है, और शुरू से हम लोग का यहाँ दाह संस्कार होते हुए हमारे पूर्वजों का यहाँ दाह संस्कार हुआ है और ये हम लोग की संपत्ति है। ये रोड निकल जाने के कारण ये बीच स्पष्ट इसका ये है कि बीच में रोड है, रोड के उत्तर साइड में मुसलमान लोग है, दक्षिण साइड में हिंदू लोग का है, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपका नाम? मेरा नाम लुकेश साई है, चनायन बांध के पैक्स अध्यक्ष हुए हम। कब्रिस्तान की चारदीवारी से कच्ची सड़क के बगल में जमीन है जो हिंदुओं का शमशान घाट है, जिसकी घेराबंदी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इस जमीन को भी मुसलमान कब्जा करने का रुख अख्तियार कर रहे हैं और कब्रिस्तान में मिला लेना चाहते हैं, ऐसा आरोप था, जिसके लिए गिट्टी बालू भी गिरा लिया गया था। लेकिन जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नमाज पढ़ने के लिए कुछ जमीन मुसलमानों को दी गई थी, जिसका फायदा उठाकर इस जमीन पर कब्जा करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल गांव में तनाव का भयंकर माहौल है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के हस्तक्षेप पर मामला जैसे तैसे शांत कराया गया। संवाददाता चंदन चौबे की इस रिपोर्ट में R9 भारत टीवी स्क्रीन पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। मामला ये है कि कब्रिस्तान की जमीन इस जहां जिस जगह पर खड़ा है इसके उत्तर तरफ उनकी बाउंड्री हो चुकी है, और दक्षिण बगल जो हिंदुओं का है उस पर ये लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मदन लोग क्या कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा बाउंड्री वगैरह करना चाहते हैं। यहाँ देखे हैं गिट्टी अगर और छड़ वगैरह गिराए हुए हैं, और मिस्त्री उनका काम कर रहा था, हम लोग आकर के मना किए हैं। तो उससे जानकारी लिए हैं, क्या बोला है? हाँ, बोला है कि कोई ठेकेदार इस पर टेंडर मिला है, वो काम कर रहा है, हम लोग को मना कीजिए, ठेकेदार को बुलाइए, वो कहाँ से काम कैसे लिया है, हिंदू लोगों का है तो ये मुसलमान लोगों का ऐसे कब्जा में दिया जा रहा है, क्यों इस पर मुसलमान लोगों को दिया जा रहा है, हिंदू कहाँ लाश फूकेगी? प्रशासन को सूचित किए हैं? प्रशासन के लिए हम लोग पिटीशन दे रहे हैं। इसी समय हम लोगों को पता चला हुआ है, इसलिए इस पर काम रोकने आए हैं हम लोग, काम रोक करके उसके बाद हम लोग प्रशासन में जा रहे हैं। किसको आवेदन दीजिएगा? थाना प्रभारी को देंगे, अंचल अधिकारी को देंगे, डीएम को देंगे, एसडीओ को देंगे। जांच कर उचित कार्रवाई करें। ये जांच करके उचित कार्रवाई करें। आपका नाम? परमानंद साई।